Cara, beleza? स्कूल गांधीनगर गाजीपुर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर, हम सब लोगों के दिलों पे राज करने वाले आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराधा जी इस सभा में उपस्थित लखनऊ से चलते आए हुए हमी लोगों की धरती के लाल जो लखनऊ में जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दूसरी बार नए चांसलर के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं। ऐसे शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर आलोक राय जी, मंशा सिंह, हम गणमान्य नागरिक और हमारे समक्ष बैठे हुए इस क्षेत्र के लगभगगण भाइयों साथियों एवं बच्चों पत्रकार बंधुओं, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि इस पिछड़े क्षेत्र में इस विद्यालय के प्रांगण में नीति साहब का स्वागत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप लोग का श्रेय भी था कि आप सब लोग एक बार यहाँ स्वागत करें। इसी कड़ी में एक कार्यक्रम लगा हुआ था सरकार आपका पूर्वांचल में, मैंने भी आग्रह किया कि अगर आप आ जाते हैं हजारों लोग आपसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे रूबरू होके अपनी कुछ बात करना चाहते हैं। आपने साहस इस आग्रह को स्वीकार किया, आज वो समय आ गया है हम लोग के बीच में आप स्वयं हैं और आप सम्मुख हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अभी कुछ मेरे मित्र कह रहे थे कि कार्यक्रम डिग्री कॉलेज में क्यों नहीं कराए, भाइयों में बता दूं कि इस समय पूर्वांचल विश्वविद्यालय की परीक्षा चल रही है, तीनों टाइम जो है वहाँ शाम तक 5 बजे तक परीक्षा थी, इसलिए उसमें तो कराना संभव नहीं था, इसलिए मैं इस कैंपस में कराया है। ये भी कैंपस हमारा 2019 में स्थापित हुआ, कोरोना के बाद भी ये इंटर तक मान्यता प्राप्त है, इसके रिजल्ट हमारे तहसील स्तर पर सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से है। आलम सिंह भी वाराणसी की जो ग्रुप है उसी के फ्रेंचाइजी में ले लिया हुआ है, वर्तमान में यहाँ करीब 1400 बच्चे हैं। विद्यालय हर तरह से परिपूर्ण है और चूंकि पिछड़ा क्षेत्र होने के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना है उसके तहत मैंने शुरू से ही बच्चियों के एडमिशन में छूट दे रखी है। जब तक रहेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे पढ़ेंगी बच्चियां, उनको हमेशा 10% छूट रहेगा और अगर वो एक परिवार की 2 बच्ची आती है तो टोटल 25% इसमें छूट दे दी जाएगी। इसी तरह अन्य भी जो कुछ वार्ड है जो कहीं कोई मृतक आश्रित इस तरह का मिल गया जिसके पिता कहीं शहीद हुए हैं या कहीं कोई जख्मी हुआ या कोई असामयिक मृत्यु हो गई, उस बीच में जो बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं उनको निःशुल्क जो है इंटर तक हम परीक्षा दिलवाते हैं और पढ़ाई कराते हैं। अगर वो पीजी तक या करना चाहे तो बगल में वो भी कर सकते हैं निःशुल्क, ये सब सुविधाएं हम देते रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के साथ बहुत सुविधाएं उपलब्ध है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों के बीच में क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप जो है माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सुनना चाहते हैं, तो मैं अपने आपके और मुख्य अतिथि के बीच में बाधक नहीं बनूंगा। मैं बस एक नारे के साथ करूंगा कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, इन्हीं शब्दों को मैं परिपूर्ण करता हूं और आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद से परिपूर्ण करता रहूंगा। धन्यवाद।